परासिया में हुई अधिवक्ता की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामला प्रेम प्रसंग का। पंचायत चुनाव के प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए अंतिम तिथि पर अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किए नामांकन, 23 को होगा चुनाव चिन्ह का आवंटन। समर्थ श्री भैया जी सरकार एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा, कालीरात धाम में कार सेवा के दौरान ग्रामीणों से किया संवाद। और डीसीए चैंपियनशिप में सीसीए ने सौसर क्लब को दी शिकस्त, अन्नपूर्णा क्लब ने एमएस क्लब को 5 विकेट से हराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। परासिया में आज हुई एक सनसनीखेज वारदात ने सभी को दहला कर रख दिया, जब परासिया तहसील कार्यालय के सामने दो युवकों ने एक अधिवक्ता पर धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मामला तहसील कार्यालय के पास का है, जब अधिवक्ता रितेश चौरिया कंप्यूटर पर कुछ टाइप करवा रहा था, उसी दौरान वहां आए दो युवकों ने उस पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। अधिवक्ता ने बचने के लिए पेट्रोल पंप की ओर दौड़ लगा दी, पर इन युवकों ने वहां पहुंचकर भी उस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अधिवक्ता का किसी युवती से प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण युवती के परिवार में काफी तनाव रहता था। इसी के चलते युवती के भाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। परासिया में एक घटना हुई है जिसमें वकील साहब हैं रितेश चौरिया, एज करीब 32 साल है, इनके साथ में घटना हुई है। इनका जो है किसी लड़की के साथ में अफेयर था, उनके परिवार वाले विरोध कर रहे थे, काफ़ी दिनों से जो है विवाद चल रहा था। तो लड़की के भाइयों ने में जो है एक सौरभ है और एक शिवम है, चौरसिया हैं, इन लोगों ने जो है आज वकील साहब कुछ आवेदन बना रहे थे, उनको पहले मारा है, वकील साहब भागे, उसके बाद में जो है पेट्रोल पंप में घुस गए थे ये, और वहाँ पे जाकर के तलवार और चाकुओं से जो है उनके साथ में मारपीट किए थे। मौके पे ही जो है वकील साहब की मृत्यु हो गई थी। दोनों आरोपियों को कस्टडी में ले लिया गया है और मौके पे जो उनके द्वारा हथियार यूज़ किया गया है उनकी भी जब्ती हो गई है, और दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना परासिया में 302 का प्रकरण भी पंजीबद्ध हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में शामिल जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिए आज आखिरी दिन नामांकन दाखिल किए गए। अब कल 21 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। प्रथम चरण में 6 जनवरी और द्वितीय चरण में 28 जनवरी को मतदान होगा।
नर्मदा मिशन के संस्थापक सदगुरु समर्थ श्री भैया जी सरकार का एक दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन हुआ। वे नर्मदा मिशन परिवार द्वारा कालीरात घाट में की जा रही कार सेवा में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि भैया जी सरकार द्वारा नर्मदा व अन्य जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण संवर्धन की मांगों को लेकर विगत 428 दिनों से अन्न आहार का त्याग कर सत्याग्रह किया जा रहा है। साथ ही वे लोगों में जन जागरूकता हेतु निरंतर आमजनों से भेंट कर इस विषय पर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे कालीरात घाट पर नर्मदा मिशन परिवार छिंदवाड़ा द्वारा की जा रही कार सेवा में उपस्थित रहे। साथ ही वहां उपस्थित ग्रामीण जनों से संवाद स्थापित कर उन्हें जल के महत्व को समझाया व इसके संरक्षण के प्रयास करने हेतु प्रेरित किया। छिंदवाड़ा की जीवन धारा है, कुल धारा है, और ये हमारे नगर और आसपास के गांव की ये जीवन धारा है, और जीवन धारा के संरक्षण और संवर्धन के लिए और जीवन धारा कुल धारा के शुद्धिकरण के लिए विगत माह से जो है नर्मदा मिशन लगातार साप्ताहिक कार सेवा कर रहा है। हम आज छिंदवाड़ा के सभी भक्त प्रेमियों से और नागरिकों से हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि ये सृजन का द्वार है और सृजन के द्वार पर विसर्जन हमारी परंपरा नहीं है। आज जिस द्वार से हमारा जीवन चल रहा है, जिस द्वार से हमारी व्यवस्था है और जिस द्वार से हमारा अस्तित्व है, ये वही कुल धारा है जिस द्वार से हमारे गांव को, नगर को जीवन मिलता है और हमारे खेत खलियान हरे भरे है और हमारे गांव की, नगर की सुख शांति समृद्धि का आधार है। आज छिंदवाड़ा का कालीरात घाट ये धर्म आस्था का भी केंद्र है और कहीं ना कहीं कालीरात घाट पर धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर, बंदगी के नाम पर, परंपराओं के नाम पर यहाँ इस द्वार से, जिस द्वार से जीवन चल रहा है, उस द्वार पर लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ये देखा गया कि प्लास्टिक और पॉलिथीन का प्रयोग जो है वो लगातार बढ़ा है, जिसके कारण कुलधारा का कालीरात घाट जो है अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। हमारा गांव नगर संक्रमण से मुक्त हो, स्वस्थ हो, और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना तभी संभव है जब हम कालीरात घाट के इन तटों को हम जितना बेहतर स्वच्छ रखेंगे उतना ही घर परिवार समाज हमारा स्वस्थ होगा। आज आवश्यकता है कि प्रत्येक घर परिवार को जिस प्रकार घर द्वार के लिए हमने समय दिया है, ठीक वैसे ही हम जीवन देने वाली के द्वार पर हमें समय देने की आवश्यकता है। और ये वक्त आ गया है कि सबसे सुंदर, सबसे सुरक्षित और सबसे स्वच्छ जो है वो कुल धारा का पेच का ये द्वार हो। कहीं ना कहीं संक्रमण तभी हमारे गांव नगर में फैलता है, रोग और व्याधियां जो है तभी होती है जब दूषित होता है जल, और जितनी तीव्रता से दूषित जल होगा उतनी तीव्रता से हमारे गांव नगर संक्रमित होंगे। तो कुलधारा की स्वच्छता के लिए जो है हम आगे आए। इन दिनों इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्पर्धा में आज दो मैच संपन्न हुए। पहला मुकाबला सीसीए क्लब छिंदवाड़ा व सौंसर क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें सीसीए क्रिकेट क्लब ने 154 रनों से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मुकाबला अन्नपूर्णा क्लब छिंदवाड़ा व एमएस क्लब छिंदवाड़ा के बीच संपन्न हुआ, जिसमें अन्नपूर्णा क्लब ने 5 विकेट से मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।
मध्य प्रदेश मांझी मछुआ नाविक श्रमिक संघ द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मछुआरा समाज की आजीविका पर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने हेतु मांग की गई। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष अरुण कलीवार व अन्य सदस्य उपस्थित थे। मछुआ नाविक श्रमिक संघ जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम समाज संगठन के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें 10 सूत्री मांगों को रखा गया है। आरक्षण से संबंधित मछुआ कल्याण बोर्ड का जल्द से जल्द गठन हो, जिसमें मछुआरों की योजनाओं का सीधा लाभ मछुआरों को मिले और उनकी जो भी जन समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्द से जल्द हो। सामाजिक सुरक्षा मछुआ नीति 2008 भाग नीति क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 18 बिंदु क्रमांक 4.4 एवं पृष्ठ भाग 2 से 23 के बिंदु क्रमांक 2-3 को तत्काल विलोपित करें, जिससे मछुआरों को सीधा लाभ पहुंचे। गैर मछुआरा समिति को निरस्त किया जावे या उसमें मछुआरों को जोड़ा जावे और शासन प्रशासन द्वारा जो मछुआरों के लिए मत्स्य क्रेडिट कार्ड KCC बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जावे और जहां जो बैंक मछुआरों के क्रेडिट कार्ड नहीं बना रहे हैं उनको जिला कलेक्टर जी के माध्यम से आदेश करवाकर उनके क्रेडिट कार्ड बनाया जावे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक इंद्रजीत पटेल के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों ने कुलपति के नाम ज्ञापन PG कॉलेज में सौंपा और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की सहभागिता को लेकर अपनी मांगे रखी। मौके पर उपस्थित छात्रों ने कॉलेज परिसर के समक्ष जमकर नारेबाजी की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल जिला छिंदवाड़ा द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया तथा अपनी मांगे प्रस्तुत की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल जिला छिंदवाड़ा द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है कि हमारे देश में जो कुछ संगठन ये चल रहे हैं, जैसे तबलीगी जमात, दारुल उलूम देवबंद और ये जो PFI जैसे जो संगठन चल रहे हैं, इनके कैंपों में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि देश के लिए बहुत घातक है। आज हमने ज्ञापन दिया गया है। आज यहाँ हमारा ज्ञापन पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालय में प्रत्येक जिले में यह ज्ञापन दिया गया है कि ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की जाए और इनको बंद किया जाए। मैं शिव उसरेठे, प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल महाकौशल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। परासिया में हुई अधिवक्ता की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामला प्रेम प्रसंग का। पंचायत चुनाव के प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए अंतिम तिथि पर अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किए नामांकन, 23 को होगा चुनाव चिन्ह का आवंटन।
समर्थ श्री भैया जी सरकार एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कालीरात धाम में कार सेवा के दौरान ग्रामीणों से किया संवाद। और डीसीए चैंपियनशिप में सीसीए ने सौसर क्लब को दी शिकस्त। अन्नपूर्णा क्लब ने एमएस क्लब को 5 विकेट से हराया। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।